एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाता है, पर इन दोनों को दूसरे टीचर ने पकड़ लिया। ये टीचर स्टूडेंट को हेल्प करना चाहती थी, पर यही से सिचुएशन बिगड़ गई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिस बिहेवियर 2016 के कोरियन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो मैंने आपको बताया इसी थीम पर ये बेस्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर ह्यूजो को देख सकते हैं। उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी तो अचानक से उसे स्कूल में लेबर स्टार्ट हो गया। उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद स्कूल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। उनके प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं कि जो भी टेम्पररी टीचर है वो प्रेग्नेंट हो नहीं सकते, अगर हुए तो उनका जॉब चला जाएगा। ये बहुत ही अजीब रूल था, पर फिर भी टेम्पररी है तो इन्हें मानना पड़ता है। इसके बाद थोड़ी देर में प्रिंसिपल ह्यूजो के पास आया। उसे कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड का क्लास भी तुम संभाल लो। ह्यूजो ऑलरेडी बहुत ही बिजी थी तो इसके लिए मना कर रही थी। प्रिंसिपल कहते हैं नेक्स्ट ईयर बहुत ही कम लोग परमानेंट होंगे, अगर उसने जॉब नहीं किया तो उसका नाम इसमें नहीं आएगा। ह्यूजो को ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। उसकी फ्रेंड का क्लास ये रात का था। क्लास में उसने नोटिस किया कि एक स्टूडेंट मिसिंग है। इसके बारे में स्टूडेंट से पूछती है। स्टूडेंट कहते हैं कि जिम में प्रैक्टिस कर रहा है। इस स्टूडेंट का नाम है जिहा। जिहा के पास डांस प्रैक्टिस करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं। स्कूल के ही जिम में जाकर वही वो प्रैक्टिस करता है। ह्यूजो ये देखने के लिए चली गई। उसे एडवाइस करती है कि उसे प्रॉपर डांस की कोचिंग करनी चाहिए। उसकी एक्चुअल टीचर नहीं तो एडवाइस करके चली जाती है। ह्यूजो के घर पर उसका बॉयफ्रेंड भी है। वो घर पर ही नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा है। ह्यूजो को दिन भर काम करना पड़ता है और घर आने के बाद उसके लिए वो खाना बनाती है। वो इस तरीके से जताता है ये सब ह्यूजो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे करना ही पड़ेगा। वो अपने राइटर्स ब्लॉक में है तो कुछ भी लिख भी नहीं पा रहा। ह्यूजो से बताती है कि आज से उसकी एक्स्ट्रा क्लास है तो लेट हो जाएगी। उसका बॉयफ्रेंड खुद का खाना खुद भी नहीं बनाता। वॉशिंग मशीन में भी उसने सब कपड़े मिक्स कर दिए थे तो ह्यूजो उस पर गुस्सा हो गए। बॉयफ्रेंड का नाम है सांग। सांग ने रात में लिखने की कोशिश की पर वो लिख नहीं पाया। ह्यूजो के पास आया, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था पर ह्यूजो उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सुबह जब ह्यूजो अपने काम पर गए तो वहाँ न्यू टीचर आई हुई है। इसका नाम है यंग। स्कूल में आते ही ये परमानेंट भी हो गए। एक्चुअली उसके फादर ही चेयरमैन है। परमानेंट टीचर बनने की बारी ये ह्यूजो की थी, पर उसकी जगह पर अब यंग परमानेंट टीचर बन चुकी है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर में यंग और ह्यूजो मिले। यंग कहती है कि आप मेरी सीनियर हो, हम दोनों एक ही कॉलेज में गए थे। ह्यूजो को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। यहाँ से यंग के फादर भी गुजर रहे थे। ह्यूजो को उसने उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया। फादर कहते हैं यंग जरा यंग है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। रात में सब टीचर्स ने मिलकर डिनर का प्लान बनाया, ये कंपलसरी था। डिनर पर सब टीचर लोग यंग से ही बात कर रहे थे। उसके थ्रू चेयरमैन से अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये सब फीमेल टीचर को अच्छा नहीं लगता। ह्यूजो जल्दी से यहाँ से जा रही थी तो टीचर कहते हैं यंग के साथ बैठो, ये तुम्हारी जूनियर थी। ह्यूजो ने कहा मैं उसे पहचानती भी नहीं। गुस्से में वो यहाँ से चली गई। फिर से स्कूल में जाकर वो जिहा को नोटिस करती है। उसने बहुत सारी बीयर्स पी थी। ह्यूजो उसके पास बैठी तो डायरेक्टली उसे किस कर लेता है। ह्यूजो फिर ड्रंक जिहा को उसके घर पर छोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बारे में वो कल बात करेगी। ह्यूजो ने जिहा की फाइल देखी तो उसकी मदर नहीं है। उसे कन्फ्रंट करने के लिए बुलाती है। ह्यूजो ने उसे कहा कि अब क्या करना चाहिए। जिहा रोडली कहता है कि आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। इनकी बात चल रही थी तभी यंग वहाँ पर आ गए। वो इन्हें इंटरफेयर करती है। इसे पहले ह्यूजो से कहती है कि स्टूडेंट टीचर के बीच में है, यहाँ से चली जाओ। ह्यूजो ने डिसाइड किया कि इस बात को जाने देगी। एक दिन जब वो टीच कर रही थी तो उसका फियांसे सांग उसे मिलने के लिए आया। वो उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा वर्क प्लेस है। सांग उसके साथ लंच करना चाहता था पर ह्यूजो उसे मना कर देती है। उसने उसे कुछ पैसे दे दिए और बाहर खाने के लिए कहा। रात में यंग ह्यूजो को उसके फादर के साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। जैसे कि मैंने कहा कि फादर चेयरमैन है तो ह्यूजो भी इसके लिए मान गए। पर जब वो इस डिनर के लिए पहुंचे तो यंग अपने फियांसे के साथ थे। यंग ने कहा मुझे फ्रेंड की ज़रूरत है जो स्कूल में मुझे सपोर्ट कर सके। यंग का फियांसे ह्यूजो को गिफ्ट्स वगैरह भी देता है। वो उसे अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। फियांसे के जाने के बाद ह्यूजो यंग पर बहुत ही चिढ़ गए। कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझसे अच्छे से बात कर मुझे ये सब चीज़ें देखकर तुम खरीद सकती हो। वो यंग को बहुत सारी गलत चीज़ें बोलकर चली जाती है। वह जब घर पर आई तो सांग घर छोड़कर जा रहा था। यंग के पूछने पर कहता है मेरा फ्रेंड फ्रांस में है, उसी के पास जाकर मैं राइट करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी तुम्हें मेरे होने से या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर यहाँ से जा रहा हो तो तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करोगी। ह्यूजो ने उसे सॉरी कहा कि मैं बिजी थी, पर वो बहुत ही गुस्से में था।
सांग कहता है, तुम इस रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है। मुझसे एंगेजमेंट करना, शादी करना, ये सब चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं की। उसे लगता है ह्यूजो को उसकी कोई भी नीड नहीं। वो यहाँ से चला गया। अगले दिन स्कूल में ह्यूजो ने कुछ लड़कों को पकड़ा। वो यंग की स्कर्ट की फोटो सब लड़कों को सेंड कर रहे थे। वो लड़का अपनी सफाई में कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ मुझे जाने दो। इसका मतलब है यंग की फोटो बहुत सारे लड़के शेयर करते हैं। ह्यूजो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली थी। लड़का कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सिर्फ एक टेम्पररी टीचर हो। वो अपसेट थे और यंग के पास लंच पर आई। उसे उसकी फ़ोटो दिखा देती है। उसने कहा कि तुम एक टीचर हो, टीचर की तरह रहा करो, सही से कपड़े पहना करो। उसे बहुत कुछ बोलती है। यंग ने उसे सॉरी कहा। अगले दिन यंग ने उस स्टूडेंट का मोबाइल उसे रिटर्न कर दिया। ये स्टूडेंट हंसते हंसते ह्यूजो के सामने से जाता है। ह्यूजो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। आज रात ह्यूजो फिर से जीहा की प्रैक्टिस देखने के लिए गए। यहाँ पर उसने देखा यंग और जीहा ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अगले दिन स्कूल में मीटिंग बुलवाई जाती है। किसी और स्कूल में टीचर और स्टूडेंट को एक साथ पकड़ा गया था और ये अलाउड नहीं। इसी को डिस्कस करने के लिए ह्यूजो यंग से बात करती है। कहती है, मुझे सब कुछ पता है, ये जिम में चल कह रहा था। ये बात सुनकर यंग बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो कहती है, प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताना, मुझे पता है तुम मुझे हेट करती हो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, अगर स्कूल को पता चला तो मेरे फादर और फियांसे को भी पता चल जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़ मुझे चांस दो। ह्यूजो ने कहा, इस बात को तुम वार्निंग समझ लेना, जिया से मिलना नहीं, इस बात को इतने आसानी से जाने नहीं देगी। अगले दिन ह्यूजो जिया से मिली। उसे कहती है, अब तुम यहाँ प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तुम यहाँ क्या करोगे इसका कोई भी भरोसा नहीं। जिया इस बात से डिसअपॉइंटेड हो गया। जब वो स्कूल से बाहर आता है तो ह्यूजो उसका वेट कर रही थी। उसे एक डांस के कोचिंग में लेकर जाती है। कहती है, इसके सारे पैसे मैं पे करूँगी। उसने उसके फादर से ऑलरेडी बात कर ली थी। जिया को इस बात से बहुत अच्छा लगा। जब वो डांस प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके मोबाइल पर यंग का मैसेज आया। ह्यूजो इस पर बहुत गुस्सा हो गए। वो गुस्से में जिया का मोबाइल तोड़ देती है। बाद में जिया उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अगले दिन उसने जिया को बुलाया और एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए उसे साइन अप करवाया। वो उसका फ्यूचर अच्छा देखना चाहती है। ये सब चीज़ें यंग नोटिस कर रही थी। एक दिन पूरी स्कूल ट्रिप पर गई हुई थी। यहाँ लंच करते वक्त ह्यूजो के फ्रेंड्स यंग को भी बुला लेते हैं। ह्यूजो ने जिया के लिए जो भी किया ये यंग को यहाँ पता चलता है। ह्यूजो कहती है कि जिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो फेमस हो सकता है और मैं स्टूडेंट का भला ही चाहती हूँ। इसके बाद आज रात जब यंग अपने फियांसे के साथ थे तो फियांसे कहता है, मुझे ह्यूजो का कॉल आया था, मुझसे लंच के लिए मिलना चाहती है। यंग बहुत ही डर गए। उसने कहा, उसे कोई भी कॉन्टैक्ट मत रखो। रात में वो फिर से ह्यूजो के पास आती है। उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो, प्लीज़ किसी को कुछ भी मत बताना। इसके बाद ह्यूजो जिया को प्रैक्टिस पर लेकर जाना और घर छोड़ देना ये सब चीज़ें कंटिन्यू करती है। जिया ह्यूजो से एक दिन कहता है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा डांस का कंसर्ट है, वहाँ पर मुझे जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगी। ह्यूजो भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर इसके लिए मान जाती है। जिया ने अपनी वॉच निकाल कर ह्यूजो को दे दी। वो कहता है, कॉम्पिटिशन के बाद मैं ले लूँगा। अगले दिन स्कूल में भी ह्यूजो उसे पहन कर रखती है। यंग ने ये चीज़ नोटिस की। ये दोनों मिलकर फिर उस डांस को देखने के लिए जाकर आए। एक दिन ह्यूजो ने जब जिया को घर पर छोड़ा तो जिया कहता है, आज मैं घर जा नहीं सकता, मेरे फादर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड है, वो रात बाहर ही गुजारने वाला था। ह्यूजो उसे अपने घर लेकर आती है। उसने उसे सोने के लिए सब कुछ दिया तभी सांग वहाँ पर आ गया। सांग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारा ही बनाया हुआ खाना मुझे अच्छा लगता है, जो तुम चूज़ करती हो वही कपड़े मैं पहनता हूँ। ह्यूजो ने कहा, तुम्हारी मदर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इनकी बातों में सांग ने जिया को देख लिया। उसे लगता है इन दोनों में रिलेशनशिप है। ह्यूजो भी इसके लिए मना नहीं करती। सांग गुस्से में ह्यूजो को कुछ भी बोलकर यहाँ से चला गया। रात में ह्यूजो को नींद नहीं आ रही थी। वो जिया के पास आ गए, उसने उसे किस कर लिया। जिया भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये दोनों फिर इसी तरीके से अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। स्कूल के पार्किंग में भी ये दोनों मेकआउट करते थे। हर रोज़ ह्यूजो जिया को घर छोड़ने के लिए आती है। जिया के फादर कहते हैं कि ह्यूजो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए तुम्हें कितनी हेल्प कर रही है। जिया ने कहा कि उसका भी रीज़न है। इसके बाद जिया की डांस कॉम्पिटिशन थी। ह्यूजो उसे चीयर अप करने के लिए आई। यहाँ पर उसने नोटिस किया यंग भी उसका डांस देखने के लिए आई हुई है। कॉम्पिटिशन के बाद वो जिया को हर जगह पर ढूंढ रही थी, पर जिया पार्किंग में यंग के साथ था। यंग अब जिया को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है तो जिया उस पर गुस्सा था। वो कहता है कि जैसा तुमने कहा था कि ह्यूजो के साथ रिलेशनशिप में होना, मैंने सब कुछ किया है,
इसका मतलब है ये सब इन दोनों का प्लान था। यंग कहती है इसके बाद हम नहीं मिलेंगे, तुम्हारा एजुकेशन सब फीस में दे दूंगी। जिया उसे गले लगा लेता है, कहता है प्लीज ऐसा मत करो। ह्यूजो जिया को ढूंढ नहीं पाए तो उसके घर के सामने उसका वेट करती है। यंग जिया को छोड़ने के लिए आई थी। घर छोड़ते वक्त ये दोनों किस करते हैं। ह्यूजो को बहुत बुरा लगा। इसके बाद जिया ह्यूजो को पूरी तरीके से स्कूल में भी इग्नोर कर रहा था। डांस कॉम्पिटिशन में जीतने की वजह से जिया को एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है। ह्यूजो एक दिन उससे बात करती है, कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिया ने कहा कि तुमने जो कहा था मैंने वही किया, मैं खुद तुम्हारे पास नहीं आया था। एक टीचर यही चाहती है कि स्टूडेंट का भला हो और मुझे अच्छा कॉलेज अब मिल चुका है। ह्यूजो के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। वो कहकर जाता है यह एक्चुअल विक्टिम तो मैं हूँ। ह्यूजो हर्ट हो गई, यंग के पास आई, कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिया से नहीं मिलोगी। यंग कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने वैसे भी मेरे फादर को सब कुछ बता दिया है, वैसे भी मैं टीचिंग कंटिन्यू नहीं करने वाली थी। यह कहकर उसने ह्यूजो को चुप करा दिया। अगले दिन ह्यूजो की फ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी उस स्कूल में वापस आ गए। प्रिंसिपल ह्यूजो को फायर कर देते हैं। ये सब यंग ने ही अपने फादर को बोलकर करवाया हुआ था। ह्यूजो फिर यंग से मिली, वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं स्कूल छोड़ नहीं सकती। यंग भी इस बात के लिए मान गए। वो कहती है सब चीजें छोड़कर अब हम एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे जॉब के बारे में मैं मेरे फादर से बात करती हूँ। रात में हैंग आउट करने के लिए ह्यूजो को अपने घर पर वो लेकर गए। यंग ह्यूजो को उसके लिए चाय बनाने के लिए कहती है। यंग ने ह्यूजो से पूछा क्या तुम सचमुच में जिया से प्यार करने लग गई थी। वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, मैं उसके साथ टाइम पास कर रही थी। इतने छोटे से स्टूडेंट के साथ प्यार करना ये कितना गलत है। वो ह्यूजो पर हंस रही थी। ये बात करके वो रिलैक्स कर दिया। ह्यूजो को बहुत गुस्सा आया, सारी गर्म चाय उसने यंग के चेहरे पर डाल दी। यंग के फोन से उसने जिया को घर पर बुला लिया। जिया सरप्राइज था कि ह्यूजो यहाँ क्यों। वो कहती है कि यंग मेरी फ्रेंड है। उसने उसे गले लगा लिया, कहा कि मेरी फीलिंग्स रियल थी, जैसा सब कुछ चल रहा था वही चीज़ें हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जिया कहता है कि मैं यंग से प्यार करता हूँ, हम दोनों ने मिलकर तुम्हें फंसाया था, तुमने अगर हमें देखा नहीं होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, तुम एक डेविल हो, तुमने हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर दी। वो कहता है तुम्हें सिर्फ एक पेट की ज़रूरत है। वो गुस्सा हो गया और ह्यूजो के साथ इंटीमेट हो जाता है, कहता है तुम्हें सिर्फ यही चाहिए। इसके बाद जब वो बाथरूम गया तो डायरेक्टली उसे यंग की डेड बॉडी ही मिली। ह्यूजो ने उसे मार डाला था। मूवी के लास्ट सीन में ह्यूजो को पकड़ने के लिए पुलिस आए हुए थे। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। ह्यूजो का जॉब चला गया तो बहुत ही डिस्टर्ब थे। तुरंत बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया। वो एक बैड प्लेस में थी, तभी जिया से वो अट्रैक्टेड हो गई। जिया उसका ऑब्सेशन बन गया और सब कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करने लग गए। जब उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं तो अपने बारे में भी वो सोच नहीं रही थी। अपने ऑब्सेशन की वजह से उसने यंग को भी मार डाला। एंड में वो जेल में चली गई। इस मूवी में उसके ऑब्सेशन की वजह से उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं।